यात्रा पे निकले हैं तो यकीनन उनको भी इस बात का अनुभव होगा कि पिछले 17 महीनों में उनकी सरकार ने क्या किया। नहीं भाई, हमारी क्यों बात है? व्यक्तिगत द्वेषों को, व्यक्तिगत मतभेदों को, गठबंधन को इसका नुकसान पहुंचे ऐसा कोई कार्य किसी भी गठबंधन के सहयोगी को नहीं करना चाहिए। कल यानी कि 20 फरवरी से तेजस्वी यादव जो है वो यात्रा पर निकलने वाले। इस बीच पटना एयरपोर्ट पहुंचे चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर। क्या कोई जानकारी दे दे कि तेजस्वी यादव की क्या बातचीत जो है वो चिराग पासवान से हो रही है? क्या ऐसा कुछ खिचड़ी जो है वो चिराग पासवान के बीच पक रही है क्या? क्योंकि इस बात का शोर सियासी गलियारों में खूब है और आज ये सवाल चिराग पासवान से आखिरकार पूछ ही लिया गया तो चिराग पासवान विस्तार से बता रहे हैं आखिर बात हुई है तेजस्वी यादव से कि नहीं। और साथ ही तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी चिराग पासवान खूब बोल रहे हैं। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। जनता के बीच किसी भी जन प्रतिनिधि को, किसी भी नेता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच रहना चाहिए। ऐसे में जब वो यात्रा पे निकले हैं तो यकीनन उनको भी इस बात का अनुभव होगा कि पिछले 17 महीनों में उनकी सरकार ने क्या किया और जनता के बीच वो अपनी बातों को कितना पहुंचा पाए। इस यात्रा से उनकी भी समझ में ये बातें आएंगी। पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जो काम नहीं हो रहा था तेजस्वी यादव वो उनसे करवा रहे हैं। भाई अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किससे काम करवा पाया नहीं करवा पाया, ज़्यादा समय नहीं है, चुनाव अब लगभग सर पर ही है। इन तमाम बातों का आंकलन इन चुनाव में हो जाएगा। जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के लिए। तो जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं तो कौन थके हुए हैं, किसने कार्य किया, किसने कार्य नहीं किया, 17 साल में क्या हुआ, 17 महीने में क्या हुआ, 35 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन तमाम बातों का आंकलन जनता के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और परिणाम भी जल्द सामने आ ही जाएंगे, ना कि किसी भटकाव की बात तेजस्वी यादव से हुई है। नहीं भाई, हमारी क्यों बात है? कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान की सेटिंग हो गई है। चिराग पासवान भाई, जो लोग ये बातें कह रहे हैं और जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पुनः उन लोगों से आग्रह करूंगा कि गठबंधन की मर्यादा को समझें, व्यक्तिगत द्वेषों को, व्यक्तिगत मतभेदों को, गठबंधन को इसका नुकसान पहुंचे ऐसा कोई कार्य किसी भी गठबंधन के सहयोगी को नहीं करना चाहिए। और जिस दल के द्वारा और जिन नेताओं के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं उनसे मेरा रिश्ता भी है, वो मेरे रिश्ते में मेरे आदरणीय हैं। मुझे तकलीफ तब होती है जब वो ऐसी बातें करते हैं और जब वो बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर जाती हैं, सोशल मीडिया पे जाती हैं, यूट्यूब पे जाती हैं, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाती हैं, उसके नीचे कमेंट्स पढ़िए बिहार की जनता किस तरीके से उनको जवाब देती है। भाई मुझे भी अफसोस होता है क्योंकि मेरे परिवार के वो लोग हैं, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ऐसे आपत्तिजनक कमेंट्स पढ़कर मुझे भी तकलीफ़ होती है। मैं चाहूँगा कि वो भी इस बात का ध्यान दें, जनता की भावना को वो समझें। जब वो एक उंगली मुझ पर उठाते हैं, आरोप मुझ पर लगाते हैं, तो जनता जिस तरीके से उनको जवाब देती है कमेंट्स में, वो पढ़ें, जनता की भावना का सम्मान करें, गठबंधन की मर्यादा का ध्यान रखें।